बिहार पंचायत चुनाव के सातवें चरण में भागलपुर के गोराडीह और रंगरा चौक प्रखंड में 15 नवंबर को हुए मतदान का परिणाम बुधवार को बिहार कृषि विश्वविद्यालय में हुई मतगणना के बाद आ गया, जिसके बाद विजय प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच जहां खुशी एवं जश्न का माहौल दिखा, वहीं चुनाव में पराजित हो चुके प्रत्याशी और समर्थक काफ़ी मायूस दिखे और चुपचाप मतगणना केंद्र से रवाना हो गए। बता दें कि गोराडीह प्रखंड के 15 पंचायतों में सारथ डहरपुर से रंजना भारती, अगरपुर से रहनुमा खातून, विशनपुर जिच्छो से आशुतोष महलदार, पिथना से मोहम्मद मजहर खान, उस्तू से बशीमुद्दीन, खुटाहा से देवेंद्र कुमार, गोराडीह से गुड़िया कुमारी, अगरपुर माछीपुर से खुशबू सिंह, तरछा दामूचक से उमा शंकर रजक, सोनूडी सज्जोरी से करुणा देवी, मोहनपुर से रानी देवी, सालपुर से पिंकी देवी, कासिमपुर से अनिल शर्मा, मुरहन जमीन से विजय कुशवाहा और नदियामा पंचायत से अमर सिंह ने अपने प्रतिद्वंदियों को पटकनी देते हुए मुखिया पद पर कब्जा जमाया। जबकि जिला परिषद के 2 पद के लिए गोराडीह में हुए चुनाव में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 से काकशा और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 से दिव्या सिंह विजय रही। वहीं रंगरा चौक प्रखंड के 10 पंचायतों में सदुआ चापर से मंजू देवी, कौशकीपुर साहोड़ा से बबीता देवी, जहांगीपुर बैसी से बीबी आयशा बेगम, भवानीपुर से मुकेश कुमार, बनिया बैसी से गुड़िया देवी, मुरली से प्रदीप मंडल, मदरौनी से अजीत कुमार सिंह, रंगरा से नवीन कुमार, तिनटंगा दियरा उत्तर से सिकंदर दास, तिनटंगा दियरा दक्षिण से गणेश प्रसाद मंडल ने अपने प्रतिद्वंदियों को पटखनी देते हुए मुखिया पद पर कब्जा जमाया। जबकि जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 9 से सवाना आजमी ने जीत दर्ज की। वहीं सभी विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी करते हुए अबीर गुलाल उड़ाकर फूल मालाओं से विजयी प्रत्याशियों का स्वागत किया। इसके अलावा मतगणना के दौरान पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड सदस्य पद के लिए भी गिनती हुई, जिसमें सभी विजयी प्रत्याशियों ने अपनी जीत के बाद क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। इधर पंचायत आम निर्वाचन की मतगणना को लेकर भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर स्थित पीजी लैब में बनाए गए मतगणना कक्ष में सातवें चरण में गोराडीह और रंगरा चौक प्रखंड में हुए मतदान की काउंटिंग हुई। वहीं मतगणना के अवसर पर विधि व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसके तहत परिसर के आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। 11वीं शरीफ पर भागलपुर खानकाह अलिया शाहबाजिया में बुधवार को कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सज्जादा नसी सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम शाहबाजी ने की। वहीं उर्स के मौके पर बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत बिहार के कई जिलों से अनुयायी पहुंचे। इस अवसर पर खानकाह शाहबाजिया में पैगंबर मोहम्मद साहब के मुँह मुबारक, हजरत गौसे आजम की मुँह मुबारक, हजरत सुल्तानुल आरफिन मखदूम शाहबाज मोहम्मद भागलपुरी का इमामा शरीफ और पूर्व सज्जादा नसी की तस्वीहात की जियारत कराई गई। इस दौरान खानकाह परिसर में लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ी रही। गद्दी नसी ने बताया कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी अपने समय के बड़े उपदेशक थे। उनके जरिए हजारों भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते का ज्ञान हुआ। उन्होंने लोगों से अपील की कि आपस में मोहब्बत प्यार के साथ रहे और एक दूसरे का ख्याल रखे, साथ ही देश की तरक्की और अमन शांति के लिए दुआ की। वहीं खानकाह शाहबाजिया के मौलाना फारूक आलम अशरफी ने कहा कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी 5वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं और इनके जीवन का हर एक काम लोगों के लिए आदर्श है। कार्यक्रम के दौरान सैयद शानदार आलम शाहबाजी, सैयद शाहकार आलम शाहबाजी, सैयद एहरार आलम शाहबाजी समेत खानकाह परिवार से जुड़े लोग मौजूद थे। इसके पूर्व सज्जादा नसी ने अपने आवास पर मुरीदों को सजरा सुनाया। आज जो है खानकाह आलिया शहबाजिया में जश्न गौसे आजम मनाया जा रहा है, जो रबी उसानी की 11 तारीख को हर साल ये जश्न मनाया जाता है। इस मौके पर दिन में हुजूर साहिब सज्जादा हजरत सैयद शाह इंतखाब आलम अता शहबाजी मदरसा लोर आली नए लोग जो मुरीद होना चाहते हैं उनको मुरीद करते हैं, जो मुरीद हो चुके होते हैं उनको शजरा सुनाते हैं और असर की नमाज के बाद शाहजहानी मस्जिद में तबरुकात की ज्यारत कराई जाती, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक, हजरत
सुल्तान العارفین مخدوم شہباز محمد کا امامہ شریف ان کے عصا کا مٹھ یعنی دستہ اور غوث اعظم کا موئے مبارک اور بہت ساری مطلب تبرکات کی سارے تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ بڑے پیر غوث پاک کی یاد میں گیارہویں شریف منائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں اس افسر پر کئی کاریکرم ہوتے ہیں۔ वहीं ग्यारहवीं शरीफ को लेकर भागलपुर खानकाए पीर दमड़िया शाह मार्केट के 15वें सज्जादा नसी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने बताया कि गौसे आजम 5वीं सदी हिजरी के बड़े वली थे। सज्जादा नसी ने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी तमाम वलियों के सरदार हैं। साथ ही बताया कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह और उनके रसूल के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने का काम किया। सज्जादा नसी सैयद हसन ने कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी के अखलाक और व्यवहार से हजारों की संख्या में लोगों ने गुनाहों से तौबा किया और हमेशा के लिए नेक और अच्छे इंसान बन गए। ग्यारहवीं शरीफ जो है वो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की याद में और उनकी यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है और पूरी उम्मत मुस्लिमा जो उनसे बेइंतहा अकीदत रखती है, मोहब्बत रखती है, वो इस दिन जलसे करती है। उनकी सीरत और सवाने पर बयानात होते हैं और जिस तरह हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी जोहद में, तक़वे में और मखलूक़ खुदा की खिदमत में, अल्लाह की याद में और इंसानियत की खिदमत में गुजारी और किस तरह लाखों लोग उनके हाथ पर बैत हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते पर उनके ज़रिए से तालीम हासिल करते हुए गुजारी। भागलपुर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हुए 5 वर्ष हो गए हैं। सरकार ने योजना मद में 382 करोड़ रुपए उपलब्ध भी करा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर की सूरत में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। दूसरी तरफ नगर निगम क्षेत्र के वार्डों की स्थिति भी बदहाल है। वहीं चुनाव नज़दीक आते ही जनता अपने पार्षद पर दबाव बनाने लगी है, जबकि निगम प्रशासन वार्डों की समस्या के निराकरण पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में वर्षों से टूटी पुलिया को दुरुस्त कराने का बीड़ा वार्ड नंबर 43 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सोनू ने उठाया। बता दें कि हुसैनाबाद मरकजी टोला के लोगों की मांग को पार्षद ने पहले निगम प्रशासन के समक्ष रखा, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो सोनू ने खुद के फंड से पुलिया निर्माण कराने का आश्वासन जनता को दिया। वहीं बुधवार को अपने वादे के मुताबिक पार्षद प्रतिनिधि ने वार्ड 43 और 44 को जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण 55,000 की लागत से करा दिया। उन्होंने बताया कि पुलिया दुरुस्त नहीं रहने के कारण इस बार भी मां काली की प्रतिमा को विसर्जन के लिए दूसरे रास्ते से ले जाना पड़ा था। साथ ही कहा कि पुलिया निर्माण से करीब 20,000 की आबादी लाभान्वित होगी। वहीं डॉक्टर शमशीर, दिलसाद और मुकेश ने बताया कि आए दिन यहां हादसा होता रहता था और जनाजा ले जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन पार्षद के प्रयास से अब इन समस्याओं से छुटकारा मिल गया। इधर वार्ड 43 के पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सोनू ने बिरजू शाह लेन में सड़क निर्माण के सवाल पर मेयर सीमा शाह और निगम प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए। कहा कि वे अपने निजी फंड से क्या क्या कराएंगे। परेशानी यही हुआ रहती कि हमारे यहाँ काली पूजा में जो विसर्जन होता है वो सकुल्ला चक वाला इसी लाइन से लेके आता है। हमने नगर आयुक्त को और सीमा साह को भी बोला था कि ये पुल को ढलवाइए, बार बार ये देने के बावजूद भी ज्योति बाबू पर्व के दिन आए, इनको नापी तो नाप के चले गए, आज तक इसका कोई समस्या हल नहीं हुआ। और ये तो पुलिया वाली बात है सर, ये तो छोटा मोटा बात है। आज तक जो बिरजू शाह लाइन में जो एक लफड़ा लगा हुआ है कि उसमें जो है नरेश यादव जो है दरख्वास्त दे दी थी और उसके कारण से आज रीटेंडर को आज तक अपने पास रखे हुए, लेकिन आज तक उसका टेंडर नहीं होता। करीब ये 1.5 साल पौने 2 साल आज हो गया, लेकिन टेंडर आज तक नहीं हुआ बिरजू शाह लाइन का। समस्या यही होता था सर कि हम लोग जब भी मज़े से जनाजा लेके आते थे तो यहाँ पे होता था कि भीड़ भाड़ जनाजे में तो होता ही है, तो बहुत बुजुर्ग यहाँ पे गिर जाते थे, ठीक है ना। और जैसे कि किस हम लोग के मोहल्ले में किसी को तकलीफ हो जाता था, आपका मेडिकल कहीं जाने के लिए प्रेग्नेंट औरत है तो वो टेम्पू लेके, ये टेम्पू आज भी यहीं का फोटो है जो ये टेम्पू पलट गया था टोटो, ठीक है। तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। आज सोनू भैया के रहने पे
हम लोग को हर चीज़ देखने मिला और अपने ही से खुद सोनू भाई खड़े होके ये ना सोचते हैं कि नगर निगम जो देगा तो हम काम करेंगे। नाथनगर भदौरिया पंचायत के चमकला बाजार स्थित पावर लूम का मंगलवार को DDC प्रतिभा रानी ने निरीक्षण किया। इस दौरान लूम संचालक व कामगारों की समस्या से अवगत हुई और जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने लूम संचालक द्वारा स्थानीय कामगारों को रोजगार देने की पहल की सराहना भी की। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले बड़ी समस्या बिजली संकट उभर कर सामने आई। लूम संचालक मनोज कुमार ने बताया कि 3 साल पहले बने लूम में 1.5 साल से कपड़े निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन बार बार बिजली कटौती के कारण आधा समय बैठकर ही गुजारना पड़ता है। लूम संचालक ने कहा कि यहाँ पर 12 घंटे में बमुश्किल से 6 घंटे ही बिजली रहती है। लूम संचालकों का कहना था कि बिजली की यदि ऐसी समस्या बनी रहेगी तो उन्हें मजबूरन उन्हें पावर लूम बंद करना पड़ेगा। संवाद आयोजित किया गया था जिला स्तर पर माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें ये जो एंटरप्रेन्योर है मनोज जी, इनके द्वारा कुछ शिकायत की गई थी कि इनको अपना जो भी इन्होंने फैक्ट्री या लूम बनाया है उसको चलाने में कुछ समस्या हो रही है, उसी के संबंध में उनके समस्या को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसलिए उनकी इस फैक्ट्री का आज निरीक्षण किया गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर सुल्तानगंज के नगर सरकार भवन में सरकार के द्वारा स्वच्छता मिशन के तहत पटना से पहुंची स्वच्छता मिशन की टीम द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी शंभू शरण राय ने की, जहां मुख्य अतिथि सुल्तानगंज नगर परिषद की सभापति नीलम देवी एवं पटना से आए टीम के अनिल कुमार गुप्ता, आयशा राज, ज्योति कुमारी, गौरव कुमार, अंकित आनंद ने स्वच्छता को लेकर गहन चर्चा की। इस दौरान नगर सरकार एवं आवास विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रूल्स के आलोक में नगर परिषद के अंतर्गत निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का मात्रा एवं गुणवत्ता को लेकर 5 दिवसीय अध्ययन सह कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। बैठक के दौरान पटना से पहुंची स्वच्छता टीम के सदस्य अनिल कुमार गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि शहर में कचरा की मात्रा के बारे में जानकारी लेकर उसके प्रबंधन से शहर के लोगों को कैसे रोजगार मिलेगा, इस पर कार्य किया जाएगा। उन्होंने कचरा से खाद बनाने के साथ तमाम बातों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कहा कि कचरा को जलाना नहीं है, ना ही गंगा में प्रभावित करना है, सभी कचरा को एकत्रित कर उसका सदुपयोग किया जाएगा जिससे शहर के लोगों को रोजगार मिल सके। इसके लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में कार्य प्रगति पर है। बैठक में यह भी कहा गया कि शहर के जो नागरिक अच्छा कार्य करेंगे उन्हें सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 का प्रारंभ हो चुका है।
जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लखनऊ में इसका उद्घाटन हुआ। और इस पर इस बार जो लक्ष्य रखा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन फेज टू में सारे शहरों में, भारत के सारे शहरों को कचरा मुक्त गार्बेज फ्री सिटी बनाया है, जिसमें कि जो हम लोग आज कचरा को एक अभिशाप मान रहे हैं, ये कचरा जो है हमारा शहर का कई एकड़ जमीन लेकर बंजर बना रहा है, उस जमीन को मुक्त कराते हैं और इस कचरा को रिसोर्स बनाते हैं, कम से कम जो है 5 लाख रोजगार पैदा करना है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय सभागार में 18 नवंबर से शुरू होने वाले पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, CDPO उषा देवी, सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार और कृषि पदाधिकारी अजय मणि ने नॉमिनेशन की तैयारी को लेकर प्रखंड के तमाम शिक्षक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ चर्चा की। इस दौरान पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन की तैयारी की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वहीं वीडियो सह निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि 18 नवंबर से पंचायत चुनाव का नॉमिनेशन शुरू होना है, इसको लेकर शिक्षकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को भी दिशा निर्देश दिया गया है। वीडियो ने बताया कि मुखिया पद के नामांकन के लिए 2 काउंटर, वार्ड सदस्य के लिए 18 काउंटर, पंच के लिए 6, सरपंच के लिए 2 और पंचायत समिति सदस्य के लिए 2 काउंटर बनाए गए हैं, जबकि 200 गज की दूरी पर बैरिकेडिंग एवं पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। आज लास्ट ब्रेकिंग न्यूज का किया गया है। नामांकन में जो है कर्मी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, स्कैनिंग करने वाले कर्मी हैं, सभी के साथ आज अंतिम ब्रीफिंग की गई और इसमें सभी को जानकारी दिया गया है कि हमने संबंधित क्या क्या कागजात लेना है, इसके लिए ध्यान रखना है। वार्ड का जो नामांकन होगा उसके लिए चंपानगर नरगा कोटी स्थित गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय की छात्रा आर्या राजपूत को क्षेत्रीय आशुवाचन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया गया। इससे पूर्व समारोह की शुरुआत भागलपुर विभाग के सहयोगी कार्यकर्ता विनोद कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कौशिक और आर्या राजपूत ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही विजेता आर्या राजपूत को सांस्कृतिक ज्ञान प्रमुख आचार्य उत्तम मिश्र और प्रधानाचार्य ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान विनोद कुमार ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आर्या को मिली सफलता से काफी गर्व की अनुभूति हो रही है। मौके पर उप प्रधानाचार्य अशोक मिश्रा, डॉक्टर संजीव झा, राजेंद्र प्रसाद, उत्तम मिश्रा, अजय कुमार समेत विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे।